वायुसेना उपप्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने दिल्ली में एयर चीफ मार्शल का पद संभाला। भदौरिया वायुसेना चीफ बीएस धनोआ की जगह एयर चीफ मार्शल बने हैं। धनोआ आज वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। आरकेएस भदौरिया भारत के 26वें वायुसेना प्रमुख हैं। वायुसेना चीफ बनते ही भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को अपने हद में रहने की चेतावनी दे दी। That's their understanding of the nuclear aspects and the strategic aspects. We have our own understanding, we have our own analysis, and we would be ready to face any challenge, whatever it is. आरकेएस भदौरिया अभी तक 26 तरह के लड़ाकू विमान को उड़ा चुके हैं। भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमान को गेम चेंजर बताया।